नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़। आज का वीडियो हम स्पेशली लेकर आए हैं टीआरए के लिए। किसके लिए? टीआरए, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, जिसको हम जूनियर अकाउंटेंट के नाम से भी जानते हैं मार्केट के अंदर। और इसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? इसका एग्ज़ाम करवाता है आरपीएससी। कौन करवाता है? आरपीएससी। ये एक रेवेन्यू अकाउंटेंट की जॉब है, जो कि तहसील लेवल पर और हर जगह पे क्या रेवेन्यू अकाउंटेंट जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है वो उसके लिए ये जॉब है। आरपीएससी इसको करवाती है। ये गवर्नमेंट जॉब है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो के अंदर सारी जानकारी आपको दे ही दी गई है। इसके अलावा आज का जो वीडियो पर्टिकुलर जो मैं लेकर आया हूँ वो ये इसलिए आया हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि पर्टिकुलर आप इस जो आने वाली भर्ती, आप सभी को पता है मार्केट में अभी आने वाली है ये रिक्रूटमेंट, इसकी काफ़ी विज्ञप्तियाँ निकल चुकी है, मेन ऑफिशियल अभी आनी बाकी है। और उसके तहत जिस दिन ये पोस्ट आ जाएगी मार्केट में, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा आरपीएससी का, उस दिन से इसके फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो जाएंगे और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमारा कहना यह है, जब ये भर्ती आने वाली ही है, आप लोगों को पता है, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भी आने वाली है, आप लोगों को पता है, आप अभी से तैयारी में लग गए, उसी प्रकार से जब इसकी भर्ती आने वाली है और आपको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट, काफ़ी बच्चे जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दिन रात मैसेज आते रहते हैं सब कब आएगी इसके एग्ज़ाम की, रिक्रूटमेंट कब आएगा, बस आप ये सोचो आने वाला है और इसी मंथ में आने वाला है। ये हमें ऐसा हमारा मानना है कि इसी मंथ में आ जाएगा। तो क्यों ना अब जब आने ही वाला है तो उससे पहले ही हम इसकी तैयारी शुरू करें। क्यों ना आप जब रिक्रूटमेंट होने वाला है तो क्यों ना थोड़ा पहले स्टार्ट करें, ताकि आपको समय भी ज़्यादा मिले। और रेस में आप, मैं पहले भी कहता था, फर्स्ट ग्रेड के टाइम भी कहता हूँ, रेस में अगर आप जब सब रेस स्टार्ट करेंगे तब आप उसके साथ रहोगे तो नो डाउट आप उसको क्लियर कर दोगे। लेकिन क्यों ना रेस में थोड़ा सा पहले बने रहे, थोड़ा सा पहले आकर रेस को स्टार्ट करते हम। तो इसी प्रकार हम टीआरए का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं वन एग्ज़ाम डॉट इन पर। यूट्यूब पे क्लास रहेगी, आप हमारा ऐप है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो, इस कोर्स के बारे में सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे सारा कोर्स मिलेगा, उसके साथ साथ यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस रहेगी, आप चाहो तो इसकी फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। तो हम टीआरए का कोर्स आज आपको ये बताने आया हूँ कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, अराउंड नेक्स्ट वीक के अंदर हम इसको स्टार्ट पूरा फुल फ्लैश ऑफिशियल रूप से इसको स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं आपके सामने इसलिए हूँ, मैं बताना चाहता हूँ मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा इस कोर्स में, सिलेबस कितना क्या है, सिलेबस के बारे में पर्टिकुलर वीडियो संदीप सर बनाएंगे तो बना देंगे, उसमें आपको ये पर्टिकुलर बता दिया जाएगा कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे, कितने नंबर होंगे, क्या क्वालिफिकेशन नंबर होंगे, सारी बात उसके अंदर कर दी जाएगी। मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ मैं आपको पर्टिकुलर क्या सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और पर्टिकुलर सिलेबस क्या है जिसको आपको मुझसे पढ़ना है, और वो सिलेबस क्या है, कितने नंबर का है, किस तरीके से उसका वेटेज रहेगा, और पुराने ओल्ड पेपर उसके अंदर सवाल कितने आ रखे हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन है, वो सारी डिस्कशन आज अपन यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ। बिजनेस मेथड्स हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है बिजनेस मेथड, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टीआरए की भर्ती के लिए, ठीक है, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की भर्ती के लिए जो 2021 के अंदर अब आने वाली है, उसके लिए मैं आपको जो पढ़ाते हुए चलना जाऊंगा वो है टीआरए का सिलेबस, उसके अंदर बिजनेस मेथड्स में आपको पढ़ाऊंगा जी। तो ये कोर्स आपके सामने है, आप देख सकते हो ये सिलेबस है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से ये आपको मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको टीआरए का सिलेबस मिल जाएगा। मेरा आपको कहना ये है अभी से तैयारी स्टार्ट करो, ताकि आप चीज़ें जितनी लंबी चौड़ी इसमें आपको सिलेबस है वो सारा कवर हो सके और रिवीजन का आपको पर्याप्त समय मिल सके, और वापस दो बार रिवीजन, तीन बार रिवीजन करोगे तो आपके पास होने के परसेंटेज थोड़े बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी आपकी बढ़ जाती है। चलो ये सामान्य हिंदी और इस तरीके से इसके बारे में पूरा डिस्कशन आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर से डिस्कशन होगा, उसमें पेपर वन है, उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, उसके बाद आपके सामान्य ज्ञान कॉमन नॉलेज है, जो आपको जनरल नॉलेज है राजस्थान के संदर्भ में वो पूरा मिल जाएगा, फिर आपको एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर के जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर होगी। उसके साथ जो पेपर वन में है उसमें से कुछ करवाएंगे हम, पेपर टू की बात कर रहा हूँ अभी मैं आपको, पेपर टू के अंदर बुक्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, बिजनेस मेथड्स है, ऑडिटिंग है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, बस ये चार चीज़ें आपके सामने है। कितनी? चार चीज़ें, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर है, जो पंकज सर आपको कराते हुए चलेंगे। उसके बाद बिजनेस मेथड, जो मैं आपका पर्टिकुलर ये पूरे टॉपिक्स मैं आपके लूँगा, जिसमें आपको कहीं पर भी कोई चीज़ की लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत
नहीं है, ये सारी चीज़ अपन यहाँ से कवर करते हुए चलेंगे। बिजनेस मेथड आज इसी के बारे में बताऊंगा मैं आपको, प्लस इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो भी अपन लेते हुए चलेंगे। ये सोच लो आप ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन की क्लास है, पर पर्टिकुलर मेरे बिजनेस मेथड्स की मैं आपको बताऊंगा। फिर ऑडिटिंग जो आपको संदीप सर पढ़ाएंगे और इंडियन इकोनॉमिक्स भी संदीप सर पढ़ाएंगे, इन दोनों के बारे में भी आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, अलग से इसके वीडियो भी बना दिए जाएंगे। चलो तो आज बात करें अपनी। अच्छा सर कितना कितना पोर्शन रहेगा? देखो 450 नंबर का है ये देखो ऊपर दे रखा है, आप देखिएगा मैं थोड़ी सी बातें करते हुए। ये पेपर टू की बात करें अपन, 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, अराउंड 450 क्वेश्चंस होंगे, अराउंड क्या 450 होंगे, और 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे ये आपके 150 नंबर के होंगे, 450 क्वेश्चंस होंगे, 450 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर सारी चीज़ें आपके सामने है, ठीक है, समझे आप मेरी बात यहाँ तक? चलो मैं उल्टा बोल गया क्या? 450 क्वेश्चन, हाँ इतने बोला, 450 क्वेश्चन होंगे और 150 प्रश्न होंगे, 450 नंबर होंगे, ठीक है, 150 प्रश्न होंगे, 450 नंबर होंगे, ठीक है। ये देखो अधिकतम अंक ये है और प्रश्न कितने होंगे इतने, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, इसके बारे में पूरा वीडियो बना दिया जाएगा सिलेबस के बारे में, जहाँ पे आपको पूरी बातें बता दी जाएगी। अब चलो अपनी बात करें अपन, चलो अब आ जाते हैं अपन अपनी तरीके से बात करते हैं। चलो बिजनेस मेथड्स के अंदर पर्टिकुलर जूनियर अकाउंटेंट के लिए, मैं जब भी बात करूंगा TRA नहीं बोल के जूनियर अकाउंटेंट बात करूंगा, तो भी आप समझना दोनों की बात एक ही है। इसको विभागों में जूनियर अकाउंटेंट भी कहा जाता है और ऐसे तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट ऑफिसर भी कहा जाता है RPSC की लैंग्वेज में। हम जूनियर अकाउंटेंट के रूप में ही बात करेंगे, जूनियर अकाउंटेंट मैं बोलूंगा, ज़्यादातर मैं ये वर्ड यूज़ करूंगा, तो आप समझ लीजिएगा कि उसी की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि सर आप किसी और की बात कर रहे हो, मैं बात उसी की कर रहा हूँ। चलो बिजनेस मेथड्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले पढ़ने वाले बिजनेस का इंट्रोडक्शन होगा, बिजनेस होता क्या है, कितना उसका क्षेत्र है, क्या उसके उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स क्या है, बिजनेस में एथिक्स जो आपके एक क्या बोलते हैं आदर्शवादी सोच के साथ बिजनेस कैसे की जाती है, एथिक्स के बारे में सारी बातें और बताऊंगा मैं। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की, ये सारी बातें अपन करते हुए चलेंगे। किसमें? बिजनेस इंट्रोडक्शन, बिजनेस के बारे में सारी बातें करेंगे तभी सारी चीज़ें आ जाएगी, उसका एथिक्स भी आ जाएगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, जो सोशल सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आ जाएगी, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, उद्देश्य भी आ जाएंगे, और उसका क्षेत्र भी आ जाएगा, स्कोप भी आ जाएगा, और उसका इंट्रोडक्शन मीनिंग तो आपको पता चलेगा। चलो बिजनेस की सारी बातें करने के बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस मार्केट में कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर यानी एक जिसका एक स्वामित्व हो वो वाले फॉर्म्स, फिर कंपनी, फिर पार्टनरशिप, और ये सारी जो बच्चे मेरे यूट्यूब पे चैनल भी अवेलेबल है बिजनेस स्कोप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप वहाँ पर भी एक बार जाकर चेक कर सकते हो किस तरीके से पढ़ाई होने वाली है, किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए नोट्स अवेलेबल होंगे और दोनों को हम साथ में करते हुए चलेंगे, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं, सारी चीज़ अपन यहाँ से कवर करते चलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका 150 नंबर का पेपर है ना, तो 25 नंबर आपका है यहाँ से आएगा बुक्स ऑफ कीपिंग्स एंड अकाउंटिंग का, 25 नंबर मतलब 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। बिजनेस मेथड से आपके इतने कितने 25 क्वेश्चन आएंगे, ये सारा जो कोर्स अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, 25 नंबर ही आपका ऑडिटिंग में से आएगा और 25 नंबर ही आपका इंडियन इकोनॉमिक्स आएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ साथ राजस्थान की इकोनॉमी भी यहाँ पे इंक्लूड है, और इससे 25 नंबर के सवाल आएंगे, यानी टोटल कितने हो गए आपके, हो गए 25 50, ये कितने हुए 50 50 100 ही हुए क्या, हाँ बाकी के यहाँ पे ये 50 यहाँ से आ जाएंगे, दो अलग अलग पोर्शन है ना, देखिएगा ये यहाँ क्वेश्चन भी दे रखा है, सबसे स्टार्टिंग में दे रखा है वो बता देता हूँ, यहाँ से बता देता हूँ, दिखा आपको 25 यहाँ से आया, व्यवसाय पद्धति यानी बिजनेस मेथड्स जो अपन पढ़ने वाले हैं इससे आया 25 आपका लेखा परीक्षा का, ठीक है, परीक्षा के हिसाब से जो बुक्स ऑडिटिंग के रिलेटेड, और 25 नंबर आपको भारतीय अर्थशास्त्र में राजस्थान का भी है, 25 पोर्शन ये जो आपके राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग के जो रूल्स है वो सारे भी होंगे, और 25 नंबर इसी के अंदर, इसकी रूल्स के अंदर इसका पार्ट दूसरा है वो सारा भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, तो कितने हो गए 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अपन जो पढ़ने जा रहे हैं अपनी जो क्लास रहेगी वो कितने के रिलेटेड रहेगी, 25 क्वेश्चन के रिलेटेड रहेगी। मैं आपको भी बताता हूँ बाकी सवालों में तो आपका हो ना हो इन 25 क्वेश्चन को तो आपको कन्फर्म करने ही करने हैं, ये ईजी नंबर है, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 2 से 3 नंबर क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें पर्टिकुलर कोई भारी भारी ऑथर्स के नाम पूछ लिए, इसके अलावा 22 से 23 का स्कोर तो आप ईजिली यहाँ पर कर सकते हो, बस आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा, जो नोट्स दिए गए उनको नोट्स को तरीके से पढ़िएगा, जो रिविजन क्लास होगी आपकी उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट होंगे, उसी के साथ साथ आपकी वीकली टेस्ट होगा, उसी के साथ हम मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, उसके साथ साथ ही आपका क्या होगा, आपका रिवीजन क्लासेस और जो मैराथन क्लासेस जो बोलते हैं वो रिवीजन क्लासेस भी आपके साथ चलेगी, ठीक है। मतलब जब कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद एक मैराथन क्लास भी रखा जाएगा, एक दो जितनी भी आप बोलोगे डाउट सोल्विंग क्लासेस भी रखी जाएगी, इसमें आप डाउट पूछ सकते हो और मैं आपको डाउट बताऊंगा, वैसे ऑडिटिंग अकाउंट सबके लिए होगा, ठीक है।
ओके इसी के साथ एसओ आरपीएससी, आरपीएससी का एसओ के लिए हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। 20 तारीख को ऐसा अराउंड टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट सीरीज, जिसको मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है एसओ के लिए वो ले सकता है, जिसको संगणक के लिए लेनी है वो भी ले सकता है टेस्ट सीरीज, वो भी 20 तारीख तक हो जाएगा लॉन्च, यानी मंगलवार तक अराउंड मंगलवार बुधवार तक ये आपका क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीक तक हम फर्स्ट ग्रेड के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स रिलेटेड पार्ट है उसके लिए। ये सारे कॉमर्स रिलेटेड पार्ट के लिए हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, तो आप खुद को टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा, उसमें देखिएगा, खुद को परखिएगा, इवेल्यूशन कीजिएगा, उसके बाद समझिएगा कि अच्छा आपकी तैयारी कितनी है और किन किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो आप ये टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा, 20 तारीख से आपके वेब पे भी मिल जाएगी, आपको हमारी वेबसाइट पे malvaneexam.in वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसके साथ हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा। जो oneexam.in गूगल प्ले में जाके आप सर्च करोगे तो हमारी ऐप भी आ जाएगी, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे और हर कोर्स की आपको रेट प्राइस भी वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और जिसको यूट्यूब पे पढ़ना है, यूट्यूब पे टोटली क्लासे फ्री रहेगी। चलो बिजनेस मेथड्स, बिजनेस मेथड में मैंने आपको बता दिया क्या क्या बताऊंगा, व्यवसाय के बारे में आपको सारी बातें बताऊंगा मैं, उसके साथ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यवसाय कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस किस प्रकार के हो सकते हैं, क्यों होंगे, सारी बातें अपन यहाँ से करते हुए जाएंगे ताकि रटने की आपको आवश्यकता नहीं हो। फिर हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, जो उद्यमी लोग होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो नए नए व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, उन लोगों को उद्यमी बोलते हैं, और उद्यमी के लिए उनका कंसेप्ट क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनके कॉजेज क्या है, लो डेवलपमेंट के लिए इनका क्यों नहीं इतने हमारे भारत में एंटरप्रेन्योर बढ़ रहे हैं, क्या उसके कारण है, क्या नहीं है, वो सारी बातें अपन करते हुए चलेंगे। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स के लिए, जितने भी ये जो पेपर मनी होती है, इन पेपर मनी के बारे में हम बात करेंगे, यानी पैसा कैश पैसा तो होता ही है, इसके अलावा चेक देते हैं, बिल्स देते हैं कोई, है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है, वादा होता है, अभी आप देंगे फिर आपको 3 महीने बाद पेमेंट हो जाएगा, ये सारी बातें करते हुए चलेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया था, क्या है इसकी सारी धरातल, इसकी पुरानी बातें सारी करते हुए चलेंगे। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस करते हुए चलेंगे, यानी व्यवसाय के लिए वित्त का सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, उनके वित्त हासिल करने के तरीके क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस करते हुए चलेंगे। वैसे तो एफएम का पार्ट है ये, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे भी अपन करते हुए चलेंगे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट की सारी बात करेंगे, एडवर्टाइज कैसे करें, एडवर्टाइज होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके मेथड्स क्या है, तरीके क्या है, मार्केटिंग का एक पार्ट है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट किस तरीके से होगा वो सारी बात अपन करते हुए चलेंगे। कंज्यूमर के जो राइट्स है, प्रोटेक्शन है, वो सारी बात अपन करते जाएंगे कि कंज्यूमर जो हमारा है, जो उपभोक्ता है, उसके क्या क्या अधिकार है, क्या क्या राइट्स है, राइट्स की थ्योरी किसने दी है, राइट्स का मतलब क्या है, किस क्या क्या राइट्स आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी बात करेंगे। उसके साथ उनके प्रोटेक्शन, उनकी क्या बोलते हैं अपन, रक्षा के लिए हम क्या क्या चीज़ें उठा सकते हैं, क्या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, क्या क्या थ्योरीज दे रखी है, कैसे उनको आप उनकी हितों की रक्षा कर सकते हो, ये सारी बातें अपन करते हुए चलेंगे। किसके रिलेटेड, उपभोक्ता कंज्यूमर के रिलेटेड। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मानव संसाधन के रूप में बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसी होती है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ट्रेनिंग, यानी उनका चयन कैसे होता है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, जो आप भी एक तरह से ह्यूमन संसाधन है, किसके लिए, मानव संसाधन है, जो कंपनी आपको हायर करेगी, तो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, ट्रेनिंग कर का खर्चा क्या होता है, ट्रेनिंग का महत्व क्या है, सारी बातें अपन पढ़ते हुए चलेंगे। फिर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन यानी आपस में हम जो बात करते हैं वो सब कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है, किस तरीके से वाद विवाद मतलब बातें बढ़ती है, किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स आती है, बैरियर्स आते हैं मार्केट के अंदर, उनके बैरियर्स को, उस प्रॉब्लम्स को खत्म करने के सजेशन क्या है, उनके सुझाव क्या है, वो सारी बातें भी हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन्स की हम बात करेंगे, डिसिप्लिन्स बात करेंगे यानी हम ये बात करेंगे कि डिसिप्लिन्स, इफेक्टिव डिसिप्लिन कैसे हो सकता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस के अंदर सारी चीज़ों को हम साथ में कैसे लेते चलते हो सकते हैं, डिसिप्लिन वे में कैसे लेके चल सकते हैं। इसके साथ हम पुराने क्वेश्चंस भी करेंगे, वहाँ पे भी डिसिप्लिन के क्वेश्चन आए हुए, वो सारे भी हम करते हुए चलेंगे कि आप एक डिसिप्लिन मैनर में सारी चीज़ें कैसे रख सकते हैं, और किस किस प्रकार के डिसिप्लिन होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। और सबसे लास्ट में कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए चलना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके सिद्धांत क्या है सारे, और किस किस ऑथर ने क्या क्या सिद्धांत दिए, वैसे के वैसे डिसिप्लिन के सिद्धांत किस किस ने क्या क्या दिए, वो सारी बातें अपन करते हुए चलेंगे। बस इतना सा कोर्स है, 25 क्वेश्चन आएंगे, और इजी कोर्स जिसको बोल सकते हैं आप, ये कोर्स है आपके सामने, राइट। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आएंगे, और बिजनेस की बात हो जाएगी यहाँ पे, मानव संसाधन की बात हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग की बात हो जाएगी आपके, इसी में आपके साथ ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की बात हो जाएगी, इसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन की बात हो जाएगी यहीं पे, और यहीं पे हम प्रोटेक्शन, कंज्यूमर उपभोक्ता की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, और एक छोटा सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके बारे में बात करते हुए
चलेंगे, राइट। ये 25 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, इन 25 क्वेश्चन के 3 नंबर का वेटेज रहेगा, और ये 25 क्वेश्चन में से 22 से 23 क्वेश्चन आपको कंफर्म करने हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि भाई आपके कोई ऑथर, ऐसे ही ऑथर का नाम पूछ लें जो आपको एग्जाम टाइम में क्लिक ना हो या समझ में ना आए, लेकिन अपन यहाँ पे सारे ऑथर्स को कवर करते हुए चलेंगे, एक भी ऑथर को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा ऑथर आ जाए अलग से आरपीएससी पूछ ले जहाँ आप कन्फ्यूज हो, तो 2-3 का मार्जिन रखें, लेकिन मैं एग्जैक्ट फिगर पर बात करता हूँ, 22 से 23 क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक्जैक्टली सही करना है, क्योंकि ये आपके फ्री के नंबर है, यहाँ पर आपको आराम से नंबर मिल सकते हैं। वैसे के वैसे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में भी आराम से आप नंबर गेन कर सकते हो, ऑडिटिंग में तो आपको 100% जब आप संदीप सर से पढ़ोगे आप 100% नंबर गेनिंग आपका रहेगा रहेगा, इसमें से 22 से 23 का एवरेज यही भी रहेगा, और इंडियन इकोनॉमी में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन क्योंकि फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी ठीक है, ये भी आप इसमें से भी अच्छे नंबर कवर कर सकते हो। तो सेकंड पेपर की आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी आपकी oneexam.in की है, आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता ना करें। फर्स्ट पेपर में भी हम कुछ कुछ सब्जेक्ट आपको करवाते हुए चलेंगे, इसके अलावा भी आपके लिए व्यवस्था करवाएंगे, ठीक है। अभी आप मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ शुरू करते हैं बिजनेस मेथड जी, और इसके बाद मैंने आपको बताया बिजनेस मेथड में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, ये सारे कोर्स से आपको मैंने मिलवा दिया है, कोर्स से आपको सिलेबस से आपको मिलवा दिया है, सिलेबस में आपको बता दिया ये सारी बातें हैं, अपन कितने क्वेश्चन होंगे किस तरीके से करेंगे, तो मेरी क्लास टोटली इन 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 सब्जेक्ट्स के ऊपर ही रहेगी, और ये आपके सामने है, इनको ही मैं कराते हुए चलूँगा, राइट। यहाँ तक समझ में आई बात, चलो अब करते हैं पुराने पेपर, जो पुराने पेपर में पर्टिकुलर बिजनेस मेथड्स के रिलेटेड क्या क्या सवाल आ रखे हैं वो अपन बात करते हुए चलते हैं, और पुराने पेपर को हम देखते हुए चलते हैं, चलो। ठीक है, पुराने पेपर की बात करते हैं, यहां से अपने सवाल स्टार्ट होते हैं 25 नंबर तक, ठीक है। 25 तक अकाउंट्स के क्वेश्चन थे, 26वां ये पेपर है आपका, कब का है भैया ये पेपर, इसमें डेट नहीं लिखी हुई है ना, 2013 वाला पेपर ही है ये आपका, है ना, जो नया दो पेपर आए थे ये दूसरा वाला पेपर है, ठीक है ना, कुछ दिक्कत हो गई थी, दूसरा पेपर भी देना पड़ा था उसमें। चलो इसके अंदर देखते हैं 26वां क्वेश्चन, देखते हैं अपन क्या क्या पूछता है, किस किस तरह के सवाल आते हैं, इन पेपर से आपको ये पता चलेगा सवाल किस तरीके से आते हैं, सवाल में किस तरीके का लेवल क्या है आरपीएससी का सवाल पूछने का, पर्टिकुलर अपने बिजनेस मेथड की अकाउंटेंसी की पंकज सर बात कर लेंगे आपको, इकोनॉमिक्स और ऑडिट की संदीप सर बात कर लेंगे आपको, ठीक है। चलो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट यानी ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी एडवर्टीजमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस आर नोन एज, यानी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक एडवर्टीजमेंट जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो भैया सीधी सी बात है ट्रेड एडवर्टीजमेंट बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं ट्रेड एडवर्टीजमेंट, ट्रेड का मतलब ही होता है आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करें यानी ट्रांसफर करें, तो उसको बोलते हैं ट्रेड। रिटेल हो नहीं सकता, रिटेल में भी हालांकि यही होता है, लेकिन रिटेल में होलसेलर मैन्युफैक्चर ये पूरी एक चेन होती है फिर रिटेलर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता, क्यों रिटेल में आप बेचते किसको, बेचते किसको, कस्टमर को, उपभोक्ता को बेचते हो, क्या वो उपभोक्ता बिजनेस है क्या उसका, नहीं होता, वो लास्ट आपका क्या करता है कंज्यूम करता है आपका प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे रिटेल वाला नहीं आ सकता, क्यों, क्यों रिटेल क्या करता है सीधा, अगर होलसेलर रिटेल को बेचता तो ये भी ट्रेड एडवर्टीजमेंट कहती है, होलसेलर भी तो आखिर क्या कर रहा है ट्रेड कर रहा है और व्यापार कर रहा है, और व्यापार किसकी तरफ किससे लिए कर रहा है, रिटेल से कर रहा है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को एडवर्टीजमेंट करता है तो उसे क्या बोला जाता है ट्रेड एडवर्टीजमेंट बोला जाता है, व्यापार विज्ञापन बोला जाता है, ठीक है, व्यापारिक विज्ञापन कहते हैं, ठीक है। कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट हो नहीं सकता, कंज्यूमर उपभोक्ता भेज रहे तो अगले के पास एक तरफ बिजनेस है, तो बिजनेस वन अगर बिजनेस टू को भेज रहा है, बिजनेस वन टू को भेज रहा है तो यहाँ पे भी तो बिजनेस होना चाहिए, पहले में ये क्या है कस्टमर है, तीसरे में भी ये क्या है कस्टमर है। अब प्रदर्शन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट तो किसी एक के लिए तो नहीं हो सकता, डिस्प्ले तो यानी कॉमन पब्लिक के लिए हो सकता है, तो यहाँ पे अगले भी क्या होना चाहिए बिजनेस होना चाहिए, सवाल का मतलब ये था, तो यहाँ पे आंसर क्या था पॉइंट नंबर टू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टेट कमीशन है आपका, जो हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पढ़ेंगे, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे हम, तब हम आपको बताएंगे, हालांकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पुराना वाला था, अभी 2019 का आ गया, अपन वो ही पढ़ते हुए चलेंगे, क्यों सवाल उसी में से आएंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है हमारा, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत स्टेट तीन तरीके के पैनल होते हैं, एक तो स्टेट कमीशन होता है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है, एक स्टेट कमीशन होता है, फिर नेशनल कमीशन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन कमीशन में एक लिमिट होती है कि यहाँ यहाँ जाके आप अपने अगर कोई शिकायत है आपकी, अगर किसी के प्रति कोई किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ हो, किसी आपको शिकायत हो किसी बिजनेस के प्रति, तो आप कंज्यूमर उपभोक्ता वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, लेकिन उनकी एक लिमिट है कि इतने से इतने अमाउंट तक का अगर केस है तो ही वहाँ जा सकता है, इससे ज़्यादा होगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट छोटे लेवल पर, इससे ज़्यादा केस हुआ तो आपको स्टेट लेवल पर जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा हुआ तो आपको नेशनल लेवल पर जाना
पड़ेगा। तो उनकी एक लिमिट फिक्स कर रखी है, वो लिमिट हमें यहाँ पे पूछा है। सवाल भी यही है कि स्टेट कमीशन जो एस्टिब्लिश हुआ, जो कि बना किस में, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कैन एंटरटेन कंप्लेंस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड कंपेंसेशन इज, पढ़िएगा जरा, कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित राज्य आयोग कितने मूल्य तक की वस्तुओं या सेवाओं और मुआवजे की शिकायतों को स्वीकार कर सकता है। यानी जो हम स्टेट लेवल है, जो दूसरा लेवल है, एक तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक स्टेट और एक नेशनल है, तो इन तीनों में कितना अपन, जैसे इसका तो आंसर है थर्ड, 20 लाख से 1 करोड़ उस समय का ये था, लेकिन अब जैसे 2019 का है तो हम ये भी पढ़ते चलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में कितनी, स्टेट में कितनी और इसमें कितनी। जैसे अगर 19 में होता तो यहाँ पे अप टू 1 करोड़ तक तो हो गया है, कितना डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ से हो गया 10 करोड़ स्टेट लेवल के लिए, और अबाव यानी 10 करोड़ से ऊपर क्या हो गया नेशनल के लिए। अगर ये सवाल अब आएगा तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी स्टेट की, यहाँ पे लिमिट 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़, जो कि कितनी थी पहले 20 लाख से 1 करोड़ तक, ठीक है। ये तो पुराना सवाल है लेकिन हमें नई वाली लिमिट याद करनी है, नई तरीके से पढ़ना है, ठीक है। फिर 28वां क्वेश्चन क्या है, एक प्रभावी भर्ती और चयन प्रक्रिया, जो एक इफेक्टिव रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस है, वो हमेशा किस प्रकार से रहेगा। तो एक प्रभावी भर्ती और चयन प्रक्रिया हमेशा ये सुनिश्चित करेगी, क्या सुनिश्चित करेगी तो आप पढ़िएगा जरा, क्या उच्च श्रम आवृत्ति में कमी, यानी जो हाई लेबर टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब होता है जाना और आना बार बार। अगर आप किसी को भर्ती करोगे और बार बार नौकरी छोड़ के जा रहा है, फिर आप रिक्रूटमेंट डालोगे, फिर नए लाओगे, तो ये टर्नओवर अगर ज़्यादा होगा तो क्या ये एक आदर्श माना जाएगा क्या? नहीं, इससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी और मामला और भी ख़राब हो जाएगा और कॉस्ट और भी लगेगी और नए लोग आपके पास जो आएंगे उनको फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आपका काम जितना फ्लेक्सिबल चलना चाहिए, आसानी से चलना चाहिए, उतना आसानी से चलेगा नहीं। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तीसरा देखते हैं, बीमारी और अभाव की स्थिति में अधिशेष की व्यवस्था करना, यानी क्या मतलब हुआ, हैविंग अ सरप्लस इन केस ऑफ सिकनेस एंड एब्सेंस, जो अगर कोई एब्सेंट रह जाता है, बीमारी हो जाती है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आप क्या करो, उसमें सरप्लस दो उनको, उनको भी पैसा दो, आप उनको ज़्यादा व्यवस्था दो, क्या ये एक इफेक्टिव, हमें पूछा गया है एक प्रभावी भर्ती की प्रक्रिया क्या हो जाए। आप ये मत सोचो कंज्यूमर एम्प्लॉय के रूप में, मत सोचो जो काम कर रहा है उनके रूप में, मत सोचो जो काम करवा रहा है उनके रूप में सोचोगे, तो क्या उसको एक जो भर्तियां निकाल रहा है वो और जितने लोग लेना, तो उसका क्या मोटिव, जो उसका उद्देश्य वो पूरा हो रहा है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इनमें बोला कि क्या ये ज़्यादा टर्नओवर है, आप फटाफट लोग निकल रहे हैं फिर आप भर्तियां निकाल रहे हो, ये आपके लिए एक सही उद्देश्य है इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, नहीं इफेक्टिव रिक्रूटमेंट के लिए कि भाई नहीं। दूसरा क्या है, क्या बीमारी और ऐसी चीज़ों में आप क्या दो, एक ऑप्शन दे रखा है इसमें तीसरा, कि बीमारी और जो छुट्टियां ले रहे हैं उसमें भी आप उनको क्या दो, सेवाएं दो, सरप्लस दो या फैसिलिटी दो, क्या ये आपके लिए एक उद्देश्य हो सकता है, ये उद्देश्य तो नहीं, तो खर्चा हो रहा है, खर्चा उद्देश्य हो ही नहीं सकता। और क्या है, संगठन में नए रक्त को प्रोत्साहित करना, यानी न्यू ब्लड इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में नए नए लोग आएंगे, नए खून को, ऐसे इस तरीके से ऑप्शन दे रखा है, ये सारे ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। ऑब्जेक्टिव हमारे सामने क्या है, दूसरा पॉइंट है कि क्या है, डिलीवरिंग हाईएस्ट कैलिबर ऑफ इंडिविजुअल एट ऑप्टिमम कॉस्ट, कहने का मतलब ज़्यादा कैलिबर किसी भी आदमी, उसकी जो एफिशिएंसी है उसके काम करने का तरीका, वो और ज़्यादा हम डेवलप करें, जैसे आदमी मिले हमारा, इस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए, जो TRA तुम्हारे जो भर्ती का प्रोसेस है वो इस तरीके से, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे लेकिन उसमें सबसे कैलिबर लोग होंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे और ऑप्टिमम कॉस्ट यानी कम रुपये में उन्हें हम क्या करेंगे, हायर करेंगे। तो यही तो एक रिक्रूटर का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे और हम जब क्लास पढ़ेंगे उसमें सब चीज़ें बताते जाएंगे कि रिक्रूटमेंट का उद्देश्य क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती है, तब आपको या आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। फिर एक देखो थ्योरी बेस आ गया कि कोऑर्डिनेशन की थ्योरी है किसकी, ये प्रतिपादन जो होता है कोऑर्डिनेशन की जो थ्योरी है, ये इनमें से किस, ये जो थ्योरी दे रखी है चार तरीके की, ये किसने दी थी। जैसे थ्योरी है आपकी प्रिंसिपल, अर्ली स्टेज, कंटिन्यूटी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेसिप्रोकल रिलेशन, ये सब बातें हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन आपस में क्या होता है, प्रतिपादन होता है। जब इन सब की स्टोरी थ्योरी ही किसने दे रखी है, थ्योरी दे रखी है आपकी मैरी पार्कर फॉलेट ने। जब हम बात करेंगे तब हेनरी फेवल की भी बात करेंगे, FW टेलर की भी बात करेंगे, अपन विलियम ओची की भी बात करेंगे, इन सब की बातें करते हुए चलेंगे और इन सबको याद रखेंगे कि इन सब ने क्या क्या थ्योरी दी और किसके रिलेटेड। जब दिमाग में जैसे क्वेश्चन आएगा, अभी तो आप चीज़ों को नहीं लगती होगी, लेकिन जब आपके सामने कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ आ जाएगा यानी प्रतिपादन आ जाएगा, आपके दिमाग में क्लियर होगा कि अच्छा अच्छा ऑप्शन हेनरी फेवल नहीं, ये तो मैनेजमेंट वाला आदमी था, इसने इसको तो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं वो मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर, ठीक है। FW टेलर नहीं नहीं ये तो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला आदमी है, ठीक है, इसने तो ये थ्योरी नहीं दी है। फिर वे विलियम ओची की बात करेंगे, तो विलियम ओची की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड बात की थी इसने।
अच्छा रिलेशन आपस में कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन की बात किसने की थी? वो की थी आपके मैरी पार्कर फॉलेट ने। जब क्लास पढ़ाऊंगा तब इन चीज़ों को मैं आपको बार बार कहकर रटवा दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा ये ऑथर उसका है। तो फट दे के आपको आंसर देखते आपका पॉइंट नंबर वन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, फिर कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, एक ही मुद्दे की बात कर रहा है, वही प्रतिपादन के उसी के अंदर से दूसरा सवाल है उसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से, कि डिपार्टमेंटल हेड है जो डिपार्टमेंट का हेड है, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर है और उसके नीचे कोवर्कर है। ऐसा नहीं होता। क्या होता है, डिपार्टमेंट इस तरीके से भी चलता है। मैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाऊंगा पूरा सिस्टम पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से उनका सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। एक तो कोऑर्डिनेशन होता है इस तरीके से, भाई ऊपर से DYSP कलेक्टर ने DYSP उनको बोला, क्या बोले कमिश्नर को बोला, कमिश्नर नीचे बोला, फिर ऐसे करते करते हवलदार तक आया। ये तो होता है इसी तरीके से वर्टिकल। एक होता है साथ में बैठने वाले, जैसे तुम डिपार्टमेंट में जो बैठोगे तो अकाउंटेंट होगा तुम्हारे साथ, तुम जूनियर अकाउंटेंट है तुम्हारे साथ और भी जूनियर अकाउंटेंट होंगे तुम्हारे लेवल के, तुम्हारे पे के और तुम्हारे अथॉरिटी वाले और भी लोग होंगे। तो जब आपस में तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बैठेगा उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। बोलते क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। समझ मेरी बात है, ठीक है। क्षैतिज लंबवित आप पढ़ते हो ना उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल। स्टाफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये भी अपन पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको उनका मतलब भी समझ में आ जाएगा। चलो देखना क्वेश्चन का, सिर्फ आप लेवल देखो इसका पेपर का, बहुत नॉर्मल लेवल का सवाल आते हैं, बहुत सिंपल से लेवल के सवाल आते हैं। सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको चीज़ों का। जैसे आपने मैनेजमेंट पढ़ा, आपने बिजनेस कोऑर्डिनेशन पढ़ा, इसका कंसेप्ट आपको अगर क्लियर है तो ये आपके लिए बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी तरीके से आप इनको टिक करते हो जाएंगे। 25 सवाल में आपके मैक्सिमम आपको 2.5 घंटे दिए ना, आपको 25 सवाल में आप मुश्किल से 15 मिनट में सारे सवाल कर दोगे, ठीक है। बस आपको अपनी कंसेप्ट क्लियरिटी पूरी रखनी है। चलो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट इज अ पावरफुल कम्युनिकेशन फोर्सेज, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो विज्ञापन है ये किसका, ये एक तरीके से पावरफुल कम्युनिकेशन, पावरफुल यानी प्रभावशाली संवहन शक्ति होता है, और ये एक प्रमुख क्रिया है। ये किसकी प्रमुख क्रिया है, तो जब हम प्रमोशन मिक्स पढ़ेंगे तो उस प्रमोशन मिक्स के अंदर हम 5 तरह की शक्तियाँ पढ़ेंगे। जब हम प्रमोशन मिक्स पढ़ेंगे, संवर्धन जब मिक्स पढ़ेंगे, इसका मिश्र पढ़ेंगे, तब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इसकी 5 तरीके की शक्तियाँ हैं, 5 तरीके के इसके पॉइंट है। इस मिक्स के अंदर 5 तरह के लोगों को मिलाकर मिक्स किया गया है। उसमें क्या क्या, उसमें सेल्स प्रमोशन भी होगा, उसमें सेल्स प्रमोशन भी लिखा होगा, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट भी लिखा होगा, एडवर्टाइजिंग जो भी इसका पूछा गया है। इसने बोला एडवर्टाइजिंग पावरफुल कम्युनिकेशन फोर्स है, किसका ये फोर्स, तो आपको जब ये पढ़ोगे, जब आपको प्रोडक्शन प्रमोशन मिक्स याद रहेगा तब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा एडवर्टीजमेंट तो प्रमोशन मिक्स का 5 पार्टों में से एक पार्ट एडवर्टीजमेंट भी है, विज्ञापन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर ए, ठीक है। सेल्स प्रमोशन है, एडवर्टीजमेंट है, पब्लिक रिलेशन है, वहाँ पे 5ों के नाम बता देता हूँ मैं आपको एक बार, ऐसी डायरेक्ट मार्केटिंग है आपकी, और एक पर्सनल सेलिंग है, ठीक है। ये तरीके के 1, 2, 3, 4, 5 है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा प्रोडक्शन मिक्स आया, अच्छा इसका एक 5वां एडवर्टीजमेंट, तो इसका आंसर ये है। बस आपको नीचे का ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सच एज सुपीरियर प्रोडक्ट एडल्ट्रेशन एंड डिसेप्टिव प्राइसिंग, ये सब। यानी क्या बात करता है, अनुसूचित व्यापारिक परंपरा, जो व्यापारिक परंपरा है, जो ट्रेड की प्रैक्टिस है, परंपरा है जो ट्रेड करने की, उसके अंदर जैसे अप्रमाणित उत्पादन, यानी आपका कैसा होगा सुपीरियर प्रोडक्ट, अप्रमाणित किसी तरीके से प्रमाणित नहीं हो, अप्रमाणित जो नकली वकली जो आप करते हो ना, मिलावटी है, कपटपूर्ण यानी किसी तरीके से मैलिशियस, किसी तरीके से कोई चीज़ मिलाई हुई है, ये सब प्रयास करता है। तो ये किस में लिखा हुआ है कि भाई इन सब प्रयास को रोकना है, हमें इन सब प्रयासों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी हटाना है इनको, इनमें से दूर करने का, किस में से, जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वो आपका व्यापारिक प्रक्रिया है, या व्यापारिक में आपको बोल सकते हो परंपरा है, जिसमें ये लिखा गया है कि आपको ये चीज़ें सब क्या करनी है, इनको हटाना, दूर करना है। यानी अलग अलग परंपराएं होगी, जब हम पढ़ेंगे इसमें, जब कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे तब परंपरा पढ़ेंगे अपन व्यापार की, ट्रेड की, तब ये लिखा होगा अलग अलग परंपरा है कि हमें कंज्यूमर को मेन रखना है, कंज्यूमर के प्रति उनके रक्षा करनी, उनके हितों की रक्षा करनी है, तो उनके साथ खिलाफ जो जो खिलवाड़ होते हैं उनको हमें हटाना है, ठीक है। एक बात ये कही, फिर हमने बोला कि नहीं नहीं हमें पूरा इनडायरेक्टली पूरे बिजनेस को हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें ये करना है, किसी की ये भी सिद्धांत होंगे। तो ये पूछा गया कि नीचे दिए गए सिद्धांतों में से ये सिद्धांत किसके अंदर से है, जिसमें ये लिखा हुआ है कंज्यूमर को प्रोडक्ट में मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट में जो रजिस्टर्ड नहीं है वो प्रोडक्ट उसको नहीं बिके, और उसके मतलब कुल मिला के उसकी हेल्थफुल उसकी रक्षा की जाए, ये किस में लिखा हुआ है। तो ये उपभोक्तावाद जो है आपका कंज्यूमरिज्म है, जो उपभोक्तावाद जो आपका
परंपरा है, जो परंपरा हम पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा उपयोक्तावाद कौन सी है, फिर आपका संरक्षणवाद संरक्षणवाद कौन सी है, प्रोटेक्शन कौन सी है, ये सारी बात जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ। जैसे प्रोटेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट क्या करे इस पर्टिकुलर सिद्धांत के अंदर, इस परंपरा के अंदर करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है जो इंटरनेशनल बिजनेस के जो मार्केट, जैसे बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना हमें कोई गुड्स, तो बाहर से गुड्स इंपोर्ट होता है तो उससे क्या होता है, जैसे कि अगर कोई फ़ोन यहाँ पे इंडिया में बना रहा है तो इंडिया में वो फ़ोन बनाएगा उसकी लागत आएगी 5,000, तो कम से कम 6,000 में तो बेचेगा, टैक्स वैक्स निकाल के सब कुछ करके 6,000-1,000 तो प्रॉफिट कमाएगा उसके ऊपर, या कम से कम वो 8,000 में बेचेगा टैक्स वैक्स लागत होकर 1-2,000 प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन यही फ़ोन सेम फीचर्स वाला जब फॉरेन से आता है, बाहर से आता है और वो इंपोर्ट होता है, इंडिया में इंपोर्ट ही वो 2,500 का होता है, तो यहाँ का वाला आदमी उस पर प्रॉफिट कमा के वो क्या करता है, 4,000 में बेच देता है, यानी इसकी आधी रेट में बेच देता है, इसकी आधी रेट में बेच देता है। ये समझ में आया यहाँ पे, 5,000 आया वो 8,000 में बेच रहा है, या 2,500 में हुआ ये 4,000 में बेच रहा है, इसकी आधी रेट में बेच रहा है, तो यहाँ वाला आदमी अगर 4,000 पे कॉस्ट से कम तो कैसे आएगा, यहाँ वाला आदमी 5,000 में तो उसको घर में बन रहा है, उससे नीचे तो कैसे बेचेगा, तो वो क्या करता है, मार्केट से दूर चला जाता है और वो इस तरीके से उसका बिजनेस नुकसान हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे बाहर से जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं जिसमें ड्यूटी बहुत कम है, तो वो क्या करती है, हमारे डोमेस्टिक जो घरेलू उत्पादन है उन लोगों को बचाने के लिए क्या करती है, उन प्रोडक्ट को बचाने के लिए क्या करती है, एक रेस्ट्रिक्शन लगाती है, किसी तरीके की रोक लगाती है, उस रोक को बोलते हैं सेफगार्ड ड्यूटी, अलग अलग तरीके की ड्यूटीज होती है, वो ड्यूटीज उनके ऊपर लगाती होती है, यानी ये गुड्स भी जब आएगा यहाँ पे इंडिया के अंदर तो 2,500 में नहीं आएगा, अलग से गवर्नमेंट कहती है इसके ऊपर हम ड्यूटी लगाएंगे, और ड्यूटी लगा के ये गुड्स जब इंडिया के अंदर आएगा ये भी आपका 5,000 करीबन पड़ेगा। तो यानी अब इसके ऊपर अगर आपको बेचना है तो आपको इसका आपको और इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया, डोमेस्टिक और फॉरेन वालों को बराबर लेवल पर ले आएगा, तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्स में प्रोटेक्टिज्म पॉलिसी कहते हैं, परंपरा कहते हैं, जिसको हम संरक्षणवाद भी कहते हैं। ठीक है, जब हम ये पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोला था, ये बात कहाँ लिखी हुई है कि अनट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको मिलावटी वाला गुड्स नहीं दे रहे, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए रिलेटेड, तो आंसर इसका पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, आंसर इसका पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे पॉइंट आपको समझाते जाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ ये समझाता जाऊँ कि किस लेवल के सवाल आते हैं, किस तरीके से उठाए जाते हैं सवाल, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको आज से इस जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आपको ये समझना है किस तरीके से आपको तैयारी करनी है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे परिसर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है, यानी एक बात कही थी किसी महान ने, किसने क्या, महात्मा गांधी जी ने कही थी कि कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रीमाइसेस, यानी हमारे प्रीमाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कोई आता है तो सबसे बड़ा कस्टमर भगवान होता है, कस्टमर भगवान होता है आपको पता है, तो कस्टमर अगर हमारे घर पे आएगा तो वो हमारे लिए भगवान आएगा, तो भगवान आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये किसने कही थी, सवाल पूछ लिया तो महात्मा गांधी ने की थी, ये भी बातें अपन करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक्स के बीच में बातें आएगी वो सब बातें भी अपन करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर बोला कंज्यूमर राइट्स किसने दिए थे, जो 1962 में जो कंज्यूमर राइट्स है वो किसने दिए थे, तो इसकी घटना है, एक 1962 की घटना है, उस समय के हमारे एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका, हमारे मतलब अमेरिका वालों के लिए, मिस्टर जॉन एफ कैंडी थे, जॉन एफ कैंडी ने उस समय अपने भाषण के अंदर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कही थी, सबसे पहली बात 1962 में उसने कही थी कि जो कंज्यूमर है उनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनकी भी हितों की रक्षा होनी चाहिए, और उसके लिए उसने चार क्या निकाले थे, बेसिक राइट्स निकाले थे, उनके अधिकार निकाले थे कंज्यूमर के, सबसे पहले चार राइट्स जो अधिकार निकाले थे वो कैंडी ने निकाले थे जब अपने वो जो भाषण दे रहा था उस समय। ठीक है, और जिस दिन उसने भाषण दिया था 15 मार्च को, उसी 15 मार्च को क्या कर दिया था, कंज्यूमर डे को घोषणा कर दी थी, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे भी उस दिन माना जाता है, कब, 15 मार्च को, कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। उसने चार प्रिंसिपल क्या दिए थे, स्पीच दी थी उसी दिन, इसी दिन स्पीच दी थी 15 मार्च को, इसी दिन को हम कंज्यूमर डे मनाते हैं, और इसी दिन इसने चार क्या दिए थे, राइट्स दिए थे, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी सेफ्टी, ये सारे राइट्स जब हम राइट्स पढ़ेंगे कंज्यूमर के हित के बारे में पढ़ेंगे तब हम उनको प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तब उनको बताएंगे कंज्यूमर के अधिकार है, फिर उन चार में और चार जुड़ गए वो 8 अधिकार हो गए, सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो कैंडी है, जॉन एफ कैंडी है, जो अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सबसे पहले कंज्यूमर राइट की बात की, तो सीधा सीधा सवाल आ गया पॉइंट नंबर 3 आंसर। ठीक है, इसमें से करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको आप चुनिए, नीचे दे रखे उसमें कनेक्ट स्टेटमेंट को चुनिए। इसमें जैसे बोले, इसने बोला है कि जो अनुशासन है, डिसिप्लिन की इसकी बात कर रहा था, व्हाट द लीडर मेक इट, ये लीडर कभी अनुशासन जो बनाते हैं वही अनुशासन है नहीं, जो फॉलो करते हैं वो अनुसार, और ये फेलर ने कभी बोला ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये बोला था कि जब आप अनुशासन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के में नेचुरल जस्टिस को हम क्या करते, फॉलो नहीं करते, हम प्राकृतिक जस्टिस को फॉलो नहीं करते, ऐसा नहीं होता,
जो हमारी अनुशासन प्रक्रिया है उसके अंदर नेचुरल जस्टिस का भी रोल उतना ही है। हम आदमी को हमें उसको नेचुरली भी हमें देखना पड़ेगा उसको कोई हानि है कि नहीं। तो ये दो पॉइंट तो हमारे सामने गलत हो गए। और तीसरा एक सुपरविजन के बारे में, जब सुपरविजन में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये जो आपका डेस्कटॉप सुपरविजन ये क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। निपुणता वाले जो सुपरविजन होते हैं, पर्यवेक्षण होते हैं, उसके बारे में क्या उसके बारे में बताऊंगा। तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका थर्ड है, टू सम एक्सटेंट डिसिप्लिन एम्प्लॉय एंड सेल्फ डिसिप्लिन वर्कर आर द सब्स्टिट्यूट फॉर द मोटिवेशन। यानी किसी चीज़ में मोटिवेशन के लिए एक तो खुद डिसिप्लिन, जो अनुशासन में रहता है एम्प्लॉय वो खुद, या उसका खुद का सेल्फ अनुशासन भी काम आता है। तब अगर ये सारे अगर मिलके चले तो वो मोटिवेट रहता है, मोटिवेशन रहता है, और वो अपने काम को लेकर और भी ज्यादा अभिप्रेरणा के साथ काम करता है, मोटिवेशन के साथ काम करता है। राइट, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आएगी। जब मोटिवेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन इसको भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, छठी बात कि भाई एक बात बोली थी डॉगल्स मैकजॉर्ज ने बोली थी क्या बोली थी, मैकग्रेगर ने बोली थी, इसने बोली थी कि द एनालॉजी बिटवीन टचिंग अ रेड हॉट स्टोव एंड वायलेटिंग रूल्स ऑफ द डिसिप्लिन। लाल गर्म स्टोव छूने और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन करने के बीच अनुरुद्धता है। क्या मतलब हुआ इसका, रूपता है, अनुरूपता क्या है, वॉयलेंस यानी सेम है इसके अंदर, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ उसने सीधे से एक बात बोली थी डॉगल्स ने, उसने बोला था कि जैसे आप ये आपका स्टोव है गर्म, ठीक है, जैसे अब आपको पता है वो स्टोव गर्म है, वो गर्म है, आप आपको ये बात पता है कि वो गर्म है, उसको छूने से आपका हाथ जलेगा, फिर भी आप जाके उसको अगर छूते हो तो आपको हाथ जलेगा, और हाथ जलेगा तो आपको एक बार गुस्सा आएगा, फिर आप ये सोचोगे कि नहीं यार ये तो सीधी सी बात पहले ही बताती हमें कि इसको हाथ लगाने चल जाता है, यानी गलती उस स्टोव की नहीं है, गलती आपकी खुद की है कि जो आप वहाँ जाके छूए। जब भी आप कभी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो, हाथ बाहर निकालते हो तो उस पर गुस्सा निकालते हो क्या, नहीं, आपको पता होता है यार यहाँ छूना नहीं था और मैंने छू लिया। तो इसने बोला डिसिप्लिन जो अनुशासन है वो भी इसी तरीके से, उसके लिए जो आप कार्रवाई करोगे अनुशासन के लिए, जो अनुशासन के लिए आप जो एक्शन लोगे वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो इसी तरीके से लागू होना चाहिए कि आप जब अनुशासन बताओ तो पहले ओरल में सबको कहकर बता दो, फिर लिखित में बता दो, और फिर बोल दिया कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके लिए इतनी पेनल्टी लगेगी, या आपके खिलाफ इस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, या आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी बात अगर आप पहले ही बोल दो, फिर अगर कोई वो गलती करता है तो आपकी उसमें जिम्मेदारी नहीं रहती, अगला खुद की गलती होगी और वो मानेगा कि अच्छा सा इन लोगों ने तो पहले अपना रूल्स रेगुलेशन आपको बता दिया था, फिर मैंने ये गलती की, यानी ये मेरी गलती है। यानी एक और बात बोलता है डॉगल्स कि आपको रूल्स बनाने जरूरी है, तो रूल्स को अनफॉलो करने वाले हैं उसको तोड़ने के लिए आपको उनके लिए कानूनी कार्रवाई भी करनी, कानूनी इन द सेंस डिसिप्लिनरी एक्शन करना पड़ेगा, आपको अनुशासित रूप में कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये साथ बोलता है वो भी उतनी ही जरूरी है अगर उनको फॉलो कराना है, सीधी सी बात है। और इसी को बोलते हैं हम एक और नाम इसको बोलते हैं हॉट स्टोव रूल्स। अगर सवाल ऐसे भी आ सकता है अगली बार कि हॉट स्टोव रूल्स किसने लिया था, तो आपको अब याद रहेगा डॉगल्स मैगर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी थ्योरीज है जो अपन क्लास में पढ़ते हुए चलेंगे। चलो, ड्रोन एंटरप्रेन्योर, ड्रोन यानी आलसी उद्यमी जो होते हैं, जो टिके रहते हैं, किस पे टिके रहते हैं, क्या सरकार के नवाचार और विचारों पर, इनोवेशन और न्यू आइडिया ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, दूसरों की जीत पर उसको क्या मिलेगा, नहीं, वातावरण के घटकों पर, एनवायरमेंट फैक्टर, अच्छा आज बारिश होगी तो गेहूं उगेंगे, सारा काम होगा, ऐसा नहीं। तीसरी बात, लेबर ऑफ अदर, वो हमेशा उद्यमी तो होते ही है, वो दूसरों के परिश्रम के ऊपर क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं, और दूसरे ने काम कर दिया तो इनका काम चल जाएगा, नहीं तो ये आलसी तरीके के होते हैं, काम चोर उद्यमी भी बोला जाता है इनको, ठीक है, ये थोड़े रूढ़िवादी टाइप होते हैं, कोई नए चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनको पसंद नहीं आते। ये सारी बातें करेंगे जब हम ड्रोन एंटरप्रेन्योर पढ़ेंगे, इस तरीके से आलसी कामचोर उद्यमियों की बात पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से क्या स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है कि एंटरप्रेन्योर सो द सीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक बीज है नए डेवलपमेंट के लिए, जो आपकी औद्योगिक विकास के अंदर नए उद्यमी ही क्या है, उसके बीज है, और ये आपको पता ही है सारी बात, ये वाली पॉइंट। दूसरी बात क्या बोलता है जो गलत हमने साबित की है, उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते हैं, एंटरप्रेन्योर डू नॉट क्रिएट वैल्यूज कंटिन्यू, किसने कहा, उद्यमी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वैल्यूज तो क्रिएट करेगा ही, सही बात है, तो वो उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते हैं, वो अपनी वैल्यूज तो क्रिएट करेगा ही करेगा, मार्केट को भी वैल्यू अपनी बढ़ता है, जैसे जैसे वो आगे आगे बिजनेस करेगा उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये बात टोटली गलत होगी, यानी पॉइंट नंबर एक सही है, जब हम एंटरप्रेन्योर उद्यमी के बारे में बात करें तब इसकी और बात करेंगे, ठीक है। फिर बोलता है जो सोर्स ऑफ बिजनेस है, हमें व्यवसाय का जो वित्त स्रोत है हमारा, वो स्रोत निकालने का सबसे इकोनॉमिकल वे क्या है, सबसे इकोनॉमिकल यानी किफ़ायती तरीका क्या है, तो सीधी सी बात है जो मैनेजमेंट है, पहला क्या लिखा हुआ, मैनेजमेंट के प्लानिंग से, मैनेजमेंट के नियोजन कार्य से, नहीं, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग का मतलब ही हुआ कि
पूंजी का बजटीकरण, बजटीकरण मतलब आप कैपिटल बजटिंग में क्या करते हो, दो ऑप्शन होते हैं उसमें से कौन सा लेना है वो डिसाइड करते हो। तो उसमें आपको पूंजी फाइनेंस वित्त कहाँ से लाना है, किस तरीके का वित्त लाना है, किस तरीके का फाइनेंस लाना है, उसका डिसीजन यहाँ पे नहीं हो सकता। चौथा द इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का निवेश कार्य, निवेश कार्य का तो काम जाना होता है, फंड को लाने की बात हो रही है। तो तीसरा आंसर आपका सही है, द फंक्शन ऑफ द फंड, द फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध का वित्त कार्य है क्या, सबसे स्रोत है किसका, व्यवसाय वित्त के निर्धारित अधिकतम किफायत तरीके से क्या है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का जो फाइनेंशियल स्रोत है वो सबसे बड़ा तरीका है, वो सबसे बड़ा क्या है आपका अच्छा, और इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल वे कह सकते हैं हम, किसका, बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की बात पढ़ेंगे, किस किस तरीके के बिजनेस फाइनेंस होते हैं, वित्त होते हैं, और क्यों लाया जाता है, कहाँ से लाया जाता है, किस प्रकार के होते हैं, कहाँ पे वापस इन्वेस्ट किया जाता है, वापस डाला जाता है, ये सारी बात बिजनेस फाइनेंस की क्लास के अंदर सारी बात करते हुए चलेंगे, आपके सिलेबस के अंदर भी है। ठीक है, एक आपका ये आदमी था किथ डेविस था, किथ डेविस क्या बोला, इसने कम्युनिकेशन की कुछ दी है, कम्युनिकेशन की क्या दी है उसने, क्या बोलते हैं उसको, बैरियर्स इसने बोला था कम्युनिकेशन के, ये इस प्रकार की क्या हो सकती है, रोक हो सकती है, यानी अगर दो आदमी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसने तीन प्रकार की प्रॉब्लम बताई थी बड़ी बड़ी, एक तो फिजिकल बताई थी, एक उसने पर्सनल बताई थी, एक ये जो लिंग्विस्टिक लिखी है इसको भाष्य बोलते हैं, इसको लैंग्वेज वाली भी बोल सकते हैं अपन, लैंग्वेज बैरियर भी बोल सकते हैं, या इसको टेक्निकल लैंग्वेज बैरियर भी बोल सकते हैं। कई बार कंप्यूटर जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आप किसी इंफोसिस में काम करने गए और वहाँ आपको कम्युनिकेशन करना है किसी के साथ, कम्युनिकेशन करना है, लेकिन वो आदमी पूरा टेक्निकली बात कर रहा है, आपको उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन में एक बैरियर है, एक प्रॉब्लम है, एक बीच में रुकावट है। तो तीन तरह की बात की थी, टेक्नोलॉजी बैरियर जो मैं बोलता टेक्निकल लैंग्वेज ये, लेकिन उसने टेक्निकल लैंग्वेज नाम नहीं दिया और उसने क्या नाम ले दिया था, लिंग्विस्टिक बैरियर दे दिया था। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बात की गई, इन्होंने लिखा टेक्नोलॉजी बैरियर, क्या लिखा, टेक्नोलॉजी बैरियर, टेक्निकल लैंग्वेज वो बात अलग है, वो एक बैरियर होता है, जब आप पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रुकावट हो सकती है कम्युनिकेशन के अंदर, लेकिन अब उसको सेम मिलता जुलता इसने ऑप्शन दे दिया टेक्नोलॉजी बैरियर। तो बच्चों ने ये दो तो सही कर दिया और इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, इसका मतलब समझ नहीं पाए। तो जब आप इंग्लिश मीडियम में आपको मतलब समझ नहीं आया तो हिंदी में देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम में आपको कोई वर्ड ऐसा लग रहा है कि यार ये नहीं सुना हुआ तो आप इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ओके, आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। चले आगे, चलो 41वां क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है, सेकंड। ठीक है, 41वां, इसमें से एम्प्लॉय डिसिप्लिन जो एम्प्लॉय की कर्मचारी अनुशासन का पार्ट नहीं है या उसका उद्देश्य नहीं है, तो सॉरी उद्देश्य है, इसमें से एक और, हाँ इसी बात में जैसे मैं यहाँ पे हुआ ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, जब भी अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे मेन काम है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम जितने भी उसमें ये ध्यान रखना, और आरपीएससी का तो स्पेशल ध्यान रखना, वो क्या करती है, नॉट और इससे खेलती है, किससे खेलती है, नॉट, पूरा क्वेश्चन पढ़ा और यहाँ पे एक छोटी सी बात डाल दी नॉट, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन वाला, तो क्या बेटा विच वन इज नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, अब बैरियर नहीं है, अब यहाँ पे सारी चीज़ आपको दिख रही है, नहीं को जवाब देना है। वैसे वैसे यहाँ पे भी जैसे अभी मैं मेरा मिस हो गया, जैसे कि क्या कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है, नहीं नहीं लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव है तो कौन से है, तो ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है, आपका लक्ष्य उपलब्धि करना है, ये भी आप अनुशासन में आप डालोगे, फिर आप डालोगे कि कर्मचारी व्यवहार बदलना, उसके व्यवहार को बदलना, उसको अपने स्वरूप में कर देना, औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना, जो इंडस्ट्रियल आपको प्रमोटिंग रिलेशन है उनको बढ़ावा देना, ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव है, जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। चलो फिर एक बात होती है डिसिप्लिन, देखो बहुत ज़्यादा सवाल आए डिसिप्लिन में से, उस वाले अनुशासन में जरूरी नहीं इस बार भी डिसिप्लिन में से आए, किसी और पोर्शन में से भी आ सकता है, लेकिन हमें तो उसको पढ़ना है। ठीक है, अनुशासन दो प्रकार के लिखे हुए इसने, प्रोग्रेसिव और करेक्टिव, यानी प्रगतिशील और सुधारात्मक, इन्हें बोला इनमें मैनेजमेंट किस तरीके के एक्शन लेगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने आपको वहाँ पे बताया था ओरल पहले लिखेगा, ओरल मौखिक बोलेगा, फिर वो राइटिंग में देगा, क्या बोलेगा, अनुशासन को राइटिंग में लिख के बोर्ड पे चिपका देगा या उनके उनके घर पे पहुंचा देगा कि भैया ध्यान रखना इस तरीके अनुशासन में आपको रहना है, अनुशासनहीनता की तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर अगर कोई करता है तो उसको सबसे पहले क्या देंगे, सस्पेंड करेंगे ताकि उसके ऊपर केस चले, देखेंगे क्या वो पाया गया है कि नहीं, ये सारी बातें, फिर लास्ट में उसको क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, और वो पाया गया तो उसको निकाल देंगे, लगभग ये सारे प्रोग्रेसिव और इसमें सबसे का यही रूल अपना ही होता है। ठीक है, दूसरे में क्या रहा है, ओरल वार्निंग सस्पेंशन, क्या सस्पेंशन डाले थे, लिखित में दिया ही नहीं, नहीं रिटन वार्निंग पहले दे देंगे, ओरल में पहले देने की जरूरत है, ओरल सस्पेंशन नहीं, ये नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर है। ठीक है, जब ये पढ़ेंगे आपको रटवा देंगे। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो आपका कोर्स है, एक ही एक्ट है आपके कोर्स का, ऐसे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन था और इसके बाद आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था, इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, स्टार लगा दिया, डिलीट कर दिया, कि ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, वैसे तो ये 1881 का ही है क्वेश्चन, इसका आंसर तो यही होना चाहिए,
ठीक है। लेकिन जब इंट्रोडक्शन की बात होती है, जब लाया गया है, तो ये लाया गया था 1 अप्रैल, ये कब लाया गया था, जब इसको लागू किया गया था तब 1 मार्च 1882 के अंदर, कब लागू किया गया था 82 के अंदर। तो अब ये पूछना क्या चाह रहा था आरपीएससी, फिर उसने डिलीट कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। जिन बच्चों ने 81 किया उसका भी आंसर सही था, वैसे तो देखा जाता तभी इंट्रोड्यूस तो तभी हुआ था, लेकिन ये लागू यानी इंप्लीमेंट कब हुआ था, लागू कब हुआ था, लागू हुआ था। और यहाँ पर लिखा हुआ, अच्छा इंट्रोड्यूस यहाँ लिख दिया और हिंदी में लिख दिया इन्होंने लागू, क्या लिख दिया हिंदी में। देखो ये लागू कब हुआ था, तो लागू ये 1882 में हुआ था। तो किन बच्चों ने ये किया, किन बच्चों ने ये किया, तो इसमें क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस लिख दिया इंग्लिश में, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है जब इसके बारे में आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तो 81 में इंट्रोडक्शन दे चुका था, एक्ट पास हो चुका था और 82 में लागू हुआ था, तो इसको डिलीट कर दिया गया था, इसका बोनस नंबर मिल गया। फिर क्या बोलता है कि कंप्लेन जो रिजोल्व करती एजेंसी किसमें, ये आपके इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर जो कंप्लेन को रिजोल्व करती है वो एजेंसी क्या है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पुराना था सेम क्वेश्चन को इसमें वापस यहाँ दे दिया, बस इसमें नाम पूछ लिया कि कौन सी है। तो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला उपभोक्ता फॉर्म होता है, एक राज्य फॉर्म होता है, एक आपके नेशनल राष्ट्रीय फॉर्म होता है, ये सारे, तो आंसर होगा डी। ये तीनों उनकी लिमिट भी मैंने आपको बताई थी 2019 के अंदर। फिर एक सवाल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं किसमें, बैंकिंग बिजनेस के अंदर, तो इसका आंसर है 10 पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम। नॉर्मल पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, 50 होंगे, ठीक है, और कहीं लिखी हुई 100 लिखी हुई है, सबकी बातें भी अपन करते हुए चलेंगे, तो इसका आंसर है 10। नेक्स्ट, मॉरल नैतिक दर्शन क्या है, नैतिक दर्शन लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अच्छा करना चाहिए, यानी बोलता है कौन सा नैतिक दर्शन है जिसके अंदर ये बोला जाता है सब लोगों के लिए कुछ अच्छा करे, जितने ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं लोगों के लिए उतना अच्छा अपन करते हुए जाए। तो ये फिलोसॉफी, मॉरल फिलोसॉफी किसकी है, तो ये फिलोसॉफी यूटिलिटरिज्म की है, ये किसकी है, उपयोगितावाद वाली की है, जितनी ज़्यादा यूटिलिटी लोगों को पहुँचाई जा सके, यूटिलिटी ले सकेंगे लोग उतना होगा। जब ये अपन पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ईगोज में पढ़ेंगे, एथिकल इसमें पढ़ेंगे, तब अपन बताएंगे कि इसकी मतलब क्या होता है। जब आप ये पढ़ चुके होंगे तो आपको फट देकर आंसर हो जाएगा क्लिक कि ये तो यूटिलिटी वाले की बात है कि लोगों जितना ज़्यादा लोगों को भला कर सके, नैतिक मॉरल रख सके, उतनी बात होगी। तो वो किस में होगा, वो उपयोगितावाद में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस, बिजनेस के अंदर सामाजिक जो आपकी दायित्व है उसकी अवधारणा निम्न कार्यवर्ष में से तर्क संगत दीजिए, इनमें से किस किस की है, क्या वो प्रोफेशनल पेशेवर प्रबंधक है, पेशेवर प्रोफेशनल जो आदमी होगा उसको अपने साथ में साथ सामाजिक क्या बोलते हैं उसको, दायित्व भी तो उसको होगा उतना का उतना, तो पहला ऑप्शन तो है ही है ये। दूसरा, न्यू सोशल कॉन्सिक्वेंसनेस, सामाजिक चेतना है, ये बिल्कुल बात है, आजकल लोग बोलते हैं आप लोगों के लिए भी सोशल सामाजिक लोगों के लिए भी कोई नई चेतना है, बिल्कुल है, कानूनी है, बिल्कुल है, सेक्शन जो आपका 135 है कंपनीज एक्ट का, उसके अंदर ये दे रखा कि आपको CSR एक्टिविटी में पैसा डालना, तो कानूनी भी है। और स्वयं प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ओन एग्जिस्टेंस, क्या वो स्वयं के अस्तित्व के संरक्षण के लिए करेगा, तो जो खुद के लिए भी तो करेगा, आखिर समाज के लिए करा यानी खुद के संरक्षण के लिए भी, तो एनवायरमेंट करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, तो खुद के लिए भी तो करेगा। तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर है 4th, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अब देखिएगा इतनी तरीके से सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। 48वां देखिएगा कि रिटायर्ड पार्टनर जब छोड़ के चला जाता है, तब रिटायरिंग हो चुका है, छोड़ के जा चुका है, फिर भी वो उसके लिए क्या एक दायित्व है, तो सेवानियुक्त के बाद भी सेवानियुक्ति साझेदारी पर देयता की जिम्मेदारी बनी रहती है, यानी देयताओं की जिम्मेदारी है, जो ऑब्लिगेशन है, जो क्रेडिटर्स है उनकी ऑब्लिगेशन फिर भी बनी रहती है, अगर वो छोड़ के जा चुका है फिर भी उसके ऊपर बनी रहती है, एक ही केस में बनी रहती है कि उसने अगर रिटायर हो गया, छोड़ के चला गया, तो उसको क्या देना चाहिए था, पब्लिक नोटिस देना चाहिए था, वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, तो वो उतना का उतना जिम्मेदार होंगे जितने पार्टनर होंगे, यानी छोड़ते ही रिटायर होते क्या करे वो, पब्लिक नोटिस अखबार में दे दे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विनिमय पत्र की बात कर रहे हैं, उसके संबंध में क्या क्या बात होती है, द मेकर इज द डेटर, ये बात समझ में नहीं आई। देखो एक तो ये होता है, नीचे से स्टार्ट करती थी सर, अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट एंड भुगतान करने के बिना शर्त के आदेश होता है, यानी भुगतान करेगा उसके क्या होगा, बिना शर्त के आदेश होंगे, बात सही है, ठीक है। दूसरी, द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इज द सेकेंडरी एंड कंडीशनल, जो बिल के आदेशक के दायित्व है गौण या सशर्त होता है, क्या बिल के आदेश जो लाइबिलिटी जो पैसा देगा, जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि इसमें एक तो ड्रॉवर होता है, एक पेई होता है, ठीक है, अलग अलग आदमी होते हैं, बिल का कैसे सिस्टम होता है कि भाई माल खरीदा उसको बिल दिया, फिर जब पैसे देने की बात आएगी तो बैंक उसको दे देगी डायरेक्ट, वो बैंक से ले लेगा, तो इस तरीके से मामला होता है, ठीक है। तो उसमें बताएंगे, दो बातें तो सही है, पर जो मेकर होता है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेकर होता है वो डेटर नहीं होता, वो कौन होता है, क्रेडिटर होता है या सेलर होता है, जो माल बेच रहा है और क्रेडिट कर रहा है क्रेडिटर होता है, वो इसका क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या होता है आपका,
मेकर होता है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, वो बनाता है कौन, जो सेलर माल बेच रहा है वही तो करेगा, वही तो उसको ड्रावर को बनाएगा, बिल को बनाएगा, तो वो क्या कहलाता है, मेकर कहलाता है। जब हम इसको पढ़ेंगे ठीक है, तब हम बताएंगे कि पैसा कौन मांगता है, कौन किसको देता है, किसके थ्रू देता है। पूरा चैनल है, एक छोटी सी क्लास, एक घंटे या 40 मिनट या 35 मिनट की क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रिलेटेड सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं बहुत छोटी छोटी क्लासें बनाऊंगा, 45 मिनट एक घंटे की क्लास होगी, उसके अंदर सारी बातें आपकी होंगी। सबसे हाईएस्ट क्लास मेरे ख्याल से यही होगी अपनी, उसके अलावा सारी बातें अपन क्लियर हो जाएगी, उसमें सब चीज़ अपन एक कहानी के रूप में समझेंगे, और उसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी आपका 100% सही हो जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का, एक पेशेवर धन प्रबंधन है जो समता पूंजी के एक मूल्य से जोखिम उठाकर निवेशों पर उच्च दर पर लाभ हेतु निवेश करता है, यानी वो क्या करता है, अपने जो रिस्क इन्वेस्टमेंट है उसमें से पैसा निकाल के सबसे ज़्यादा हाई रिस्क, मतलब कहने का मतलब जहाँ पर रिस्क हाई हो, रिस्क बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसा कौन होता है जो हाई रिस्क पे हाई रिटर्न के लिए पैसा डालता है, तो वो होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। कौन होता है, उद्यम पूंजीपति, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है। वेंचर क्या होता है, उद्यम क्या होता है, उसकी बात करेंगे। नए नए बिजनेस होते हैं, जैसे टाटा क्या करता है, नए बिजनेस होता है, उनको क्या करता है, नया स्टार्टअप है, नया आइडिया है, वेंचर है, तो उनको क्या बोलता है, अच्छा मैं तुम्हें क्या दूँ, पैसा देता हूँ, मुझे पता है रिस्क है, ये डूब भी सकता है, नया काम है, चलेगा नहीं चलेगा इतना तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी बोले मैं पैसा देता हूँ इसको और तरीके से चलाओ, क्योंकि उसमें यह पता है कि पैसा देता हूँ मतलब उसकी 50% या 60% साझेदारी वो खुद खरीद लेगा। कहने का मतलब ये, वो रिस्क भी ज़्यादा है लेकिन उस पर रिटर्न भी सीधा सीधा, इतने सस्ते में कौन देता है, इतने सस्ते में वो दे सकता है, क्योंकि वो वेंचर एंड नया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, राइट। आई होप ये जो आपने 25 क्वेश्चंस देखे, इस तरीके के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, उससे आपको चीज़ें समझ में आई हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल आरपीसी, किस लेवल से सवाल आपको पूछता है, और क्या क्या कोर्स अपन कवर करने वाले हैं आपने आने वाले क्लासेस के अंदर, राइट है। तो वन एग्जाम से आज ही जुड़ जाइए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और हमारा जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कीजिए। हमारे जो एसओ के बच्चे हैं, जो स्टेट्स ऑफिसर के बच्चे संगणक वाले हैं, वो आप लोग आप खरीद सकते हो। काफ़ी बच्चे कॉमन तैयारी करते हैं, तो आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज कर सकते हो, इसकी भी टेस्ट सीरीज हम जल्द से जल्द लॉन्च कर देंगे। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की भी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है, मतलब अभी करने वाले हैं 2 दिन में। उसके साथ साथ इस TRA कोर्स को पूरा YouTube पे रहेगा क्लासेस आपकी, उसके साथ साथ इसकी टेस्ट सीरीज भी रहेगी, वीकली टेस्ट भी रहेगा, जो हमसे ऐप में जुड़े रहेंगे उनके लिए वीकली टेस्ट भी अवेलेबल रहेगा। और इसी के साथ हमारा बस ये टारगेट रहेगा आपको जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों में आपको क्या कर दे, हम परिपक्व कर दे, एकदम तैयार कर दे, एफिशिएंट वे में तैयार कर दे, इफेक्टिव वे में तैयार कर दे, ताकि आने वाले एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आए, और अपना नाम, अपने घर वालों को और हमारा भी नाम तरीके से रोशन करें। धन्यवाद, मैं वरेश सिंह राठौर आज आपसे विदाई लेता हूँ, और आने वाली क्लासेस में हम आप और भी आगे वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करके बताइएगा कितने आप लोग इस कोर्स को लेने के लिए उत्साहित है, क्या है क्या नहीं है, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या है, और ये जरूर बताइएगा कौन कौन लोग हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे जुड़े रहिए।